खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करार दे दिया। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन को दावत की, ट्वीट किया कि एक साल से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर तआवुन का कह रहे हैं। इंतखाबी शफाफियत के बायस जमहूरियत भी मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन को दावत, ट्वीट किया कि इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। एक साल से अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर तआवुन का कह रहे हैं। इंतखाबी शफाफियत के बायस जमहूरियत भी मजबूत होगी। मजीद कहा कि एन ए 249 के जिमनी इंतखाबात में कम टर्न आउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली के इल्जाम लगा रही हैं। सैनेट इलेक्शन और 10 का जिमनी इंतखाबात में भी यही हुआ। 1970 के सिवा हर इलेक्शन में धांधली के इल्जाम ने इलेक्शन नतज के साख पर सवाल उठाए हैं। 2013 के आम इंतखाबात में 133 हलकों पर इंतखाबी उजरदारी की शिकायत सामने आई। चारों हलकों में धांधली साबित हुई, जिसके खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनवाने में एक साल लगा।